YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक और मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। देश में हर पार्टी का नेता ये चाहता है कि वो सत्ता की कुर्सी तक जा पहुंचे और सत्ता की कुर्सी तक पहुंच बनाने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कभी धूप में बैलगाड़ी की सवारी करनी पड़ती है तो कभी रात के अंधेरे में गांव गांव जाकर जनता से समर्थन के लिए संपर्क साधना पड़ता है। तो कभी बड़ी बात यह भी है कि घोषणाएं भी की जाती है, तो क्या ये सिर्फ सत्ता की खातिर है? तो बड़ी बात यही कि क्या सत्ता की खातिर ये सब हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मंदसौर में राहुल गांधी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। किसान वर्ग को रुझाने के लिए बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया गया। राहुल गांधी का कहना है कि सत्ता की कुर्सी संभालते ही कांग्रेस 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देगी। तो वहीं हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों का भत्ते में बढ़ोतरी कर बड़ा तोहफा दिया है। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये सत्ता की खातिर किया जा रहा है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। वोटों की खेती के लिए नेता लोग क्या क्या नहीं करते हैं। सत्ता में आने से पहले लोग लुभावन वायदे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सब भूल जाते हैं और फिर जब हिसाब देने का समय आता है तो चुनाव से पहले फिर से घोषणाओं का अंबार लग जाता है और फिर से जनता को वोट के लिए लालच दिया जाता है। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ही बात कर लें तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में बोलते हुए राहुल ने एक बड़ा वायदा कर डाला। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अब आपको लिए चलते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को चुनावों से महज 16 से 17 महीने पहले ही तोहफा दे दिया है, वो भी बैक टू बैक। जी हाँ, 5 जून को हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि DA 2% बढ़ाने की घोषणा की। तो वहीं 6 जून को CM मनोहर लाल ने HRA में बढ़ोतरी करने के अलावा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का भत्ता और ट्रैवलिंग भत्ते में भी बढ़ोतरी की है, जो कि जनवरी 2018 से प्रभावी होगी। ये किसी से छिपा नहीं है कि हरियाणा में कर्मचारी पिछले दिनों सड़कों पर थे। सरकार को ये भी जानकारी है कि कर्मचारी वर्ग को नाराज करना चुनावों में रिस्क लेने से कम नहीं। दूसरी ओर कांग्रेस को भी ये मालूम है कि मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर जो वर्ग सरकार से नाराज है उनकी घोषणाओं के बल पर अपनी ओर खींचकर वोट बटोर सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। अब ये वोटों की खेती है या असल में जनता का भला, ये तो वोटर भी अच्छे से जानता है, क्योंकि चुनावों के मौसम में घोषणाओं की मूसलाधार बरसात होती है और चुनावों के बाद सब सूखा और सूना। जी हाँ, चुनावी मौसम आ चुका है तो घोषणाएं भी मूसलाधार होंगी और यही किया जा रहा है। जहां आपने देखा मध्य प्रदेश के मंदसौर में किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है कि वो कर्ज माफी करेंगे, तो वहीं हरियाणा में ये देखा जा रहा है कि अब कर्मचारियों को रिझाने का भी एक प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्या ये सिर्फ सत्ता की खातिर है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी से नीलम चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी प्रवक्ता। इनेलो से रविंद्र ढोल जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से भूम सिंह राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जोधी भी हमारे साथ हैं और सर्व कर्मचारी संघ से शरण कुमार भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल नीलम चौधरी जी आपसे, क्या ये कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए अभी किया गया है जब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, लगभग 1 से 1.5 साल बचा है? जी देखिए, जब ये 7th पे कमीशन लागू हुआ था उसमें एक ये शर्त भी थी कि जो भी सेंट्रल लेवल पे जो जिस भी तरह के भत्ते दिए जाते हैं स्टेट को भी वो देने हैं, तो हरियाणा सरकार ने भी इसका वादा किया हुआ था। तो उसी के बेस पर जैसा सेंटर में है उसी प्रकार से हरियाणा के जितने कर्मचारी हैं उनको जैसे 2% उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया गया, इवन हाउस रेंट वो भी सेंटर के बराबर किया गया जिसमें 8/16 और 24% के हिसाब से है, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को भी पहले से बढ़ा दिया गया 750 से 1125, ट्रैवलिंग अलाउंस को भी बढ़ाया गया, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को भी, और इस तरह से जो जितने अलाउंसेस
उनके लिए जो सेंटर की तर्ज पर थे वो सारे बढ़ाए गए हैं। इनका जो ताल्लुक है वो राजनीति से कतई नहीं है, क्योंकि कर्मचारी हमारे सरकार का, हरियाणा प्रदेश का एक विशेष हिस्सा होते हैं और वो डिजर्व करते हैं। तो इस तरह की जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, काफी नाराज दिख रहे थे आपके सरकार से। नहीं देखिए, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसी के प्रोपोर्शन में उनका महंगाई बढ़ता भी बढ़ता है। कर्मचारी कह रहे 2016 में ये होना था, सरकार ने 2 साल लगा दिए, अब चुनाव से पहले ऐसा फिर क्यों सरकार की ओर से बढ़ाए गए ये भत्ते? नहीं, चुनाव से इनका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जो उनका जो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ाया जा रहा है। और इसी से जो सेंटर की तर्ज पर है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट में, कल मुख्यमंत्री जी ने इसका अनाउंसमेंट भी की है, वो भी सारा बढ़ाया गया है। और जैसे हाउस रेंट ये इनका पहले कम था लेकिन अभी उसको वो बढ़ा दिया, वो सारे डाटा जो है हमारे पास है। लेकिन ढोल साहब 2016 में बढ़ने थे ये, अब 2 साल बाद बढ़ाए गए हैं जब चुनाव पास में है। आपको एक बात बता देता हूँ कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हरियाणा सरकार एक श्रेय लेती है कि हम सबसे पहले लागू करते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, स्वच्छ भारत अभियान है। लेकिन यहाँ पर अब यदि आप देखेंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण एक चीज थी, सेवंथ पे कमीशन जो आया था उसकी सिफारिशें लागू करने में 2 साल इन्होंने लगा दिए। हाँ। और 2 साल इन्होंने इंतजार किया है कि इन्हें कहीं, इनको पता है कि जो समस्या आ रही है कि इम्प्लॉयज इनसे नाराज है लगातार। अब इनको एक बहाना चाहिए उनको एक टेम्परेरी सेटिस्फाई करने के लिए। इनके एक और बहुत बड़ा एक दावा था, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, पंजाब के समान वेतनमान कब होगा? आपने सबसे पहले दावा किया था, आपने वायदा किया था, उस वायदे का क्या हुआ? तो इनके कहने से कहने में और करने में बहुत फर्क है। स्पष्ट रूप से ये तो वैसे भी इनकी मैंडेट थी, सेवंथ पे कमीशन को तो लगाना था, लेकिन इन्होंने सबसे पहले क्यों नहीं लागू किया? यदि आप स्वच्छ भारत अभियान को सबसे पहले यहाँ लेकर के आ सकते हैं तो यहाँ पर ये क्यों नहीं लेकर के आके, कि या फिर आप ये कहेंगे कि किसान कर्मचारियों से कर्मचारी संघ से है। शरण कुमार जी, क्या लगता है कि संतोषजनक राहत आपके लिए है या फौरी राहत है? देखिए, इसमें ये कहना चाहते हैं कौशिक साहब, जो संतोषजनक की बात आपने कही है ना, अब संतोष हम 4 साल सरकार को बने होने हो गए हैं जी, हैं, और कर्मचारियों का सब्र का बांध टूटने जा रहा है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जो वायदे किए थे आज तक एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया है। और जहाँ पर आज 2% मात्र 2% डीए दे करके वहाँ वाई बटोरने का एक किया गया है। प्लीज जी, आप वो भी देखें, आपको समय मिल रहा है, आप बोलिए बोलिए बोलिए, तो खुश होना चाहिए आपको। इसमें मात्र 2% एक यानी बढ़ाया तो है ना सर, कुछ तो बढ़ाया है, यानी एक मजाक है कर्मचारी के साथ। अब जो पिछली सरकारें रही हैं 8% 10% डीए मिलता था हमारे को। और रही बात जहाँ पर आज महंगाई को देखें, पेट्रोल को देखिए, डीजल को देखिए, यानी वो अपना आटा को देखिए, दाल को देखिए, यानी महंगाई सातवें आसमान पर है और डीए मात्र 2%, इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है? क्या इस तरह से जो है भत्ते बढ़ाकर, क्योंकि महंगाई के मुताबिक नहीं है ये मानते हैं जागरा साहब, लेकिन क्या लगता है कि महज कर्मचारियों को छलने के लिए चुनाव पास में है इसलिए इस तरह से अब ये भत्ते दिए जा रहे हैं? बिल्कुल यही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता प्राप्त की थी वो एक ड्रामेबाजी के द्वारा, लोगों को एक अलग तरह के झांसे देकर उसके द्वारा सत्ता प्राप्त की थी, और अब उसी के उसमें आज कर्मचारी की अगर बात करते हैं आज इस डिबेट पे, कर्मचारी इन 4 सालों में जितना तंग हुआ है, और आप पक्के को ही क्यों ले, और जो दूसरे हमारे भाई थे जो कच्चे कर्मचारी भी हैं या और दूसरे वो कर्मचारी रहे हैं, उनकी क्या हालत करी? हर तीसरा ऐसा कोई सा हफ्ता नहीं होता जब चंडीगढ़ में यहाँ हाउसिंग बोर्ड चौक के ऊपर हजारों कर्मचारियों को नहीं रोका जाता, वहां पे लाठी चार्ज नहीं होता, उनके ऊपर लाठी चार्ज नहीं होता आपके सामने। और आज ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस तरह से ये बरसात जो है की जा रही है, इस तरह से जब मात्र 1 साल चुनाव में रह गया है उसके आज क्यों नहीं उन्होंने 3-4 साल जी वो तो ठीक है, भूम सिंह जी एक बात बताइए, चलिए सरकार तो सत्ता में है, वो तो कुछ ना कुछ राहत दे रही है कर्मचारियों की, आप तो लालच दे रहे हैं किसानों को सीधा 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, आज सिर्फ वोटों के लिए क्या? आज किया भी है कांग्रेस पार्टी ने, अगर पिछले इतिहास को उठा के देखें तो बहुत कुछ काम किया है किसानों के लिए, बहुत कुछ किया है उन्होंने। और आज हमने इस तरह झूठे वादे नहीं किए हुए, हम 15 लाख रुपए खातों में आएंगे। किसानों की ये हालत एक दिन की नहीं है, किसान हमेशा से इसी तरह से राजनीतिक अनदेखी का शिकार होता रहा है। और अब मंदसौर में जाकर राहुल गांधी जो बात करते हैं किसानों की कर्ज माफी की, तो सबसे पहले सवाल ये कि ऐसी स्थिति बनी क्यों किसानों की?
इस तरह उसमें मैं ये कहता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी ने जहां पर भी पंजाब में हमारी सरकार है वहां कर्जे माफ कर रही है, आपके सामने है बिल्कुल सब कुछ, उसने बिल्कुल और वहां पे कहां पर कैसे कर्जे माफ, पंजाब में कर्जे माफ हो रही है, कर रही है, लेकिन चुनाव से पहले किस तरह कर्जे माफ करने की बात कही गई थी, उसके बाद किस तरह से किया गया है और अब समय कितना हो चुका है ये देखिए ना। नहीं एक साल हुआ है, एक साल हुआ है, एक साल के अंदर छह महीने साल मंदसौर में किसानों की गोलियां लगने से किसानों की मौत हो जाती है। राहुल गांधी अब जाकर जो है बात कहते हैं कि हम जो है केस दर्ज करवाएंगे, हमारी सरकार सत्ता में आती है, लगभग एक डेढ़ साल बाद, एक साल बाद में जो है राहुल गांधी को फिर से किसानों की याद आती है, उस बीच में भी राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश जाते रहे हैं, दो साल से जो कर्मचारी इंतजार कर रहे थे अब जाकर कर्मचारियों की याद आती है सरकार को, जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में वहां जाते रहे और आज बरसी थी, मंदसौर में बरसी थी किसानों की जो गोलियां लगी, कहां गायब हो जाते हैं, क्यों याद नहीं रहते ये मुद्दे जादव साहब? देखिए मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था उस समय राहुल गांधी ने मंदसौर का दौरा किया था, ठीक है, और उस समय उनके दौरे को रोकने के लिए वहां की जो एमपी गवर्नमेंट थी उसने काफी कोशिश की, लेकिन वो बताया गया कि राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर बैठ कर गए और किसानों के बीच में, तो मैं समझता हूँ कि उस समय जो है उनको कुछ इस तरह के जो है अपने ऐलान करने चाहिए थे कि वो किसानों के हित में क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि चुनाव बहुत करीब है तो निश्चित ही ये चुनावी वादा तो है ही है साफ तौर पर, और लगातार हमारे नेता किसानों की जो हालत है उसकी बहुत लॉन्ग टर्म में किसानों की हालत बिगड़ी है, तो पिछली सरकारें भी अपने आप को इसमें क्लीन चिट नहीं ले सकती कि वो अपनी पीठ थपथपाएं कि हमने कर्जे माफ कर दिए थे और किसानों की ये स्थिति थी, उस समय भी कोई लॉन्ग टर्म मेयर्स लिए जाने चाहिए थे कि किस तरह से किसानों की जो इनकम बढ़ाई जाए और किस तरह से उनकी स्थिति में सुधार किया जाए। अब आज ये स्थिति है कि किसान को कर्ज माफी की भी जरूरत है और जो लॉन्ग टर्म उपाय चल रहे हैं उन पर उनको भी कंटिन्यू रखने की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में अब राहुल गांधी को कुछ अफसोस भी करना चाहिए कि आखिर में वो इतने लेट क्यों उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं और चुनाव की करीबियों में किए, तो साफ साफ ही जाहिर हो रहा है उसमें तो मुंह छिपाने की स्थिति कोई भी पार्टी से बची हुई नहीं। रविंद्र ढोल साहब, क्यों चुनाव से पहले इस तरह के वायदे जो हैं, वायदों की बरसात जो है वो की जाती है हर एक पार्टी की ओर से, चाहे वो आप ही की पार्टी क्यों ना हो, बिल्कुल निश्चित रूप से किया जाता है इस प्रकार का काम जो है, और सरकारें जब भी आती हैं खास करके सरकार जाने वाली होती है तब इस प्रकार के काम अभी तो प्रारंभ हुए हैं। आप देखिए कि चंडीगढ़ के साथ लगता पंचकुला, पंचकुला के मैदान सेक्टर 5 का लगा जो है कर्मचारियों से सटासट भरा हुआ है, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं, तो कर्मचारी रोड पर है, सड़क पर है, जिन जिन जो जो भी इन्होंने वायदे किए हैं कहीं ना कहीं ये भी मैं आपको बता दूं कर्मचारी सातवें पे कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं है। यदि सरकार ये कहने का दावा करे कि हमने बहुत अच्छा इंक्रीमेंट दिया है तो मैं इनको बता दूं कि छठा पे कमीशन इससे कहीं ज्यादा बढ़िया था, सातवें पे कमीशन में बढ़ा कितना है, कुछ भी नहीं बढ़ा, ऊपर से आपने जो है सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा वायदा जो आपने किया था, मैं फिर कह रहा हूँ पंजाब के समान कर्मचारी मान क्यों नहीं इस राहत से। जी देखिए जब सेवंथ पे कमीशन आया था बहुत सारे कर्मचारियों ने खुद ही अपने आप को सेवंथ पे कमीशन में और कुछ ने तो अपनी फिफ्थ पे कमीशन के हिसाब से जो सैलरी चल रही थी उसी पे कंटिन्यू किया था, इवन जो अभी जो डीए इंक्रीज हुआ है वो सबका अपने अपने हिसाब से है, कुछ लोग सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से, बिकॉज वो जब भी कोई भी नया पे कमीशन आता है तो हमेशा बेसिक सैलरी में कुछ चेंजेस आते हैं तो लोग अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से ऑप्ट करते हैं, तो इस वक्त भी हरियाणा में कुछ ऐसी स्थिति है, लेकिन सबको उसके हिसाब से महंगाई जितनी बढ़ती है उसके हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। एक मिनट एक चीज हो, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये चुनावी वादा तो ये पिछली सरकारें वो करके गई थी, फिर दो दो पॉलिसीज ऐसे गलत बना के गई जिसकी वजह से आज हम कह रहे हैं कि आपने कहा था पंजाब के बराबर वेतन मान देंगे, और आप देखिए अभी हमने पिछले कितने टाइम में गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ाई है और जो कंप्यूटर टीचर गेस्ट टीचरों का क्या हाल किया आपने, यहां पे जा भी रहे हैं कंप्यूटर टीचर्स की भी सैलरी आपने बढ़ाई थी जो कि 1 जनवरी 2018 से लागू अभी तक लगे हुए हैं, लगातार धरने पर बैठे कंप्यूटर टीचर्स। एक मिनट, जो अभी गेस्ट टीचर्स की बात चल रही थी जो मैंने पिछले डिबेट में भी हमने कहा था कि ये जो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी वो गलत बनाई थी, उसका देखिए हमने अभी जो है फर्स्ट मई को अभी फर्स्ट जून को अभी जो है सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को लेटर इशू किए गए हैं समान काम और समान वेतन के हिसाब से, जिसकी भी एलिजिबिलिटी बनती है उन सबको समान काम और समान वेतन दिया जाए। नीलम जी, शरण कुमार जी बोलिए, नीलम जी बोल रही है जी, चाहे तो वो सातवें वेतन आयोग की बात है, सातवें वेतन आयोग में भी इसी प्रकार से मजाक किया गया है जिस प्रकार अभी 2% डीए की बात आती है, यानी दूसरी सरकार एक मिनट प्लीज, जितना महंगाई
महंगाई रेट है उससे भी मिल रहा है। आप बोलिए हमारे को बोलने का अवसर क्यों नहीं दे रहे? हाँ तो बोलिए 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 सर बोलिए बोलिए सर। हाउस रेंट इंक्रीज हुआ है, जो वेतन आयोग हमारे को मिले यानी 40-50% की यानी हर वेतन आयोग में बढ़ोतरी मिली है हमारे को वो महंगाई के अनुरूप। और जो अब की बार सातवें वेतन आयोग का जो लाभ हमारे को नहीं, आप पिछली सरकार की तुलना करें इस सरकार से कि पिछली सरकार बेहतर थी, आप ये कहना चाहते हैं क्या? यानी इस सरकार पिछली सरकार ने बहुत राहत दी थी कर्मचारियों को, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। बहुत राहत की तो बात अलग है, लेकिन रही बात इस सरकार से, आपकी बातों से ऐसे लगता है वो सरकारें पहले रही है, इस सरकार से तो सारी सरकारें अच्छी रही है। चरण कुमार जिस पॉलिसी का जो हाल ये बिगाड़ के गए हैं, अब उसके लिए अब हम क्या करें? एक तो 5,000 जो 5,000 जो ऑलरेडी पक्के हो चुके हैं, इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से जो डिसमिस हुए वो कच्चे होने के कारण। चलिए नौकरी की बात, बोलिए 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 नौकरी की बात करेंगे हम, उनको सुप्रीम कोर्ट में हम उनके लिए जाएंगे ताकि उनका हमने तो रोजगार दिया था सरकार। भूम सिंह जी, भूम सिंह जी, एक मिनट सर, एक मिनट, पहले पूरी बात सुन लीजिए। हाँ नीलम जी बोलिए। एक हमारे पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाने की, वो हम उसमें जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारे एक जो गेस्ट टीचर्स हैं जिसमें की करीबन 40,000 के आसपास जो वो भी इनकी डिसमिस हुई है, उसको भी हम जो है सारे के सारे जो हमारे गेस्ट टीचर्स हैं उनको किसी न किसी से अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के अलग मार्क्स हैं और उनका जितना भी टाइम पीरियड है या एज रिलैक्सेशन वो सब उन्हें। हमारे जो काम है वो लगातार कर्मचारियों के लिए, कभी चुनावी वादे नहीं होते, बिल्कुल पक्के काम। सवाल पूछूं जी, जरूर आप ये बताइए कि अभी तक सरकार ने कितनी नौकरियां दी है? जी लगभग 25,000 के करीब सरकार कहती है, 14,000-15,000 लटकी हुई है हाईकोर्ट में, 7,000 की अभी अनाउंसमेंट हुई है, 45,000 अभी जुलाई में। अभी सीएम साहब कहते हैं कि 45,000 नौकरियां हम देंगे अभी, इतनी नौकरियां बचाकर आपने क्यों रखी मैडम? क्या चुनावों के लिए? नहीं नहीं नहीं, चुनाव के लिए नहीं है, कई बार जितनी भी हमें जिस तरह की जरूरतें होती है वो हम जो कॉन्ट्रैक्ट देने का प्रोसेस इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है? इस बात का एक चले कर्मचारियों की कमी है, इतनी कमी है कि सरकार कहने का मतलब ये है कि 45,000 नौकरियां अभी क्यों आप दे रहे हैं एकदम से? देखिए अब जो उसका जो हमारा प्रोसेस है सीएनडी में, जैसे हमने इंटरव्यूज खत्म करते हैं, इवन पुलिस में आप देखें कितना अच्छा हमारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जिसमें जो फिजिकल के क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं तो उसको हमने खत्म कर दिया, जस्ट हैव टू क्वालिफाई द फिजिकल और कोई इंटरव्यू नहीं है, तो सिर्फ टेस्ट देना है और ये प्रोसेस विद इन 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा। तो स्पीड अप भी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, बहुत पहले तो डेढ़ साल तक सब इसको याद कर रहे जी, अब जो सर उनसे आप बहुत सारी याद कर रहे हैं, ये सुनिए पास कर दिया गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मैडम कह रहे हैं, जैसे पारदर्शिता की बात करते हैं, 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप इंटरव्यू खत्म कर दीजिए, आपने कब खत्म किया ये बताइए जी, हमें आपने कब खत्म किया ये बताइए, आप ये बताइए कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपने कितनी नौकरियां नौकरियां लगाई है वो पैसे लेकर आपके गीता बुक्कल ने खुद असेंबली में खड़े होकर कहा था कि चेयरमैन जिसमें सस्पेंड हुए हैं, जिसमें चेयरमैन सस्पेंड हुए हैं, क्योंकि इस कोर्ट के लिए कोई और एप्लीकेंट ही नहीं था, बाय डिफॉल्ट सस्पेंड हुआ है। आज मान गए कोर्ट ने दूसरा कुछ कहना चाहते हैं मैडम, ठीक है नीलम, ठीक है, ये गारंटी आपकी जो आपके नेताओं के खिलाफ बोर्ड के कर्मचारियों के खिलाफ, उनके खिलाफ मेंबरों के खिलाफ केस दर्ज हुए, आपको भी जेल में जाने वाले हैं। हमारे उठाने के बाद नीलम जी, नीलम जी आपकी बात सुनिए मैडम, विधानसभा में किसने उठाया, विधानसभा में किसने उठाया, एक मिनट, कुछ नहीं आने, विधानसभा में किसने उठाया मामला, हमने उठाया, उसके बाद इन्होंने, एक मिनट मैं बीच में, मैं आप मेरे को क्या बीच में काट रहे हैं, व्हाई आर यू इंटरप्टिंग, व्हाई आर यू इंटरप्टिंग मी, व्हाई आर यू इंटरप्टिंग नीलम जी, नीलम जी, बताइए अपने लीडर्स के बारे में।
हमारी पार्टी के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया तब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमने अपनी कंप्लेंट फिर वायर इंटरप्टिंग मी मैडम मैडम वायर इंटरप्टिंग मी डोंट डिस्टर्ब मी डोंट ट्राई टू इंटरप्ट मी इन बिटवीन मैं बोल रहा हूं आप उसके बाद भी जवाब दे सकती हैं डोंट इंटरप्ट मी बार बार बीच में इंटरप्ट कर रही हैं बोलिए बार बार बीच में इंटरप्ट किया जा रहा है मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो है इंटरव्यू कब खत्म करी है नरेंद्र मोदी जी का था 2014-15 एक मिनट प्लीज हाँ आपको मौका मिलेगा सरकार का जब मोदी जी की घोषणा के बाद इंटरव्यू खत्म किए जाएंगे उनकी मन की बात के बाद दो साल में इन्होंने अपने फेवरेट्स को 25,000 नौकरियां देने के बाद में जाकर के इनके पास में ध्यान आया इंटरव्यू कहां खत्म किए क्लास 4 के अंदर क्लास 3 तो आप लगा चुके हैं सारी फिल कर चुके हैं सारी की सारी वैकेंसी अब रहेगी पुलिस भर्ती की मैंने बता रहा हूं पुलिस भर्ती के अंदर इन्होंने जो प्रोसेस बदल करके गैर कानूनी प्रोसेस लेकर के आए वो मैं क्यों कर व्हाई आर यू इंटरप्टिंग मी Why are you, madam? आप बीच में इंटरव्यू क्यों कर रही हैं? आपको समस्या होती है जब कोई और बीच में बोले तो यू शुड हैव दैट आप लोग अभी चेक करके इंतजार आपके अंदर इतना आप ही से जवाब लेंगे आप ही चाहती है कि हम लोग बोले इसलिए आपको सबके सामने बोले बोला तो समस्या होती है जब इनके अचंभित पात्रा जी नाम बता रहा हूँ वो कहते हैं कि आप जाकर के डिबेट में केवल बोलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर दिमाग खोल करके जाते ये कौन सा तरीका आपका बीच में इंटरप्ट करने का आपने बोला आपका पक्ष सुना आप दूसरा पक्ष भी सुना ये चाहते हैं बीच में आप बोले नीलम जी आपकी बात पता है कि मेरे पास में इनकी जानकारी है एक के करके हम म्यूट करवा देंगे म्यूट करवा देंगे बोम सिंह जी बताया कि मेरे पास में जानकारी नहीं मैडम मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा कोई ये सहन नहीं कर सकते हैं कि हमारा कहना हमारा बोलना गलत बात बीच में ना करें मैं ये कह रहा हूं आपका इंतजार कीजिए ना आपसे आप लिख लीजिए और उसके बाद बोलिए उसका जवाब इन्होंने इंटरव्यू खत्म करने के बाद में सोशियो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया बनाया उसके अंदर कितना हरियाणा के अंदर रोष है इनको अंदाजा है उस चीज का इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा इस चीज का ना ही नहीं इस चीज से को मतलब पड़ता है दूसरी चीज एक मैं आपको मैं बता दूं कि पुलिस भर्ती के अंदर मैंने कहा कि जो इन्होंने एक जो काम इन्होंने गैर कानूनी किया स्पष्ट रूप से सबसे पहले इनको चाहिए था कि यहाँ पर फिजिकल का टेस्ट लेते फिजिकल का टेस्ट को लेटर स्टेज के ऊपर लेकर के गए ताकि अपने ऐसे लोगों को ये बीच में एडजस्ट कर सके जो जरूरी है बिल्कुल आप लीजिए जवाब दीजिए एक तो इंटरव्यू की बात कही है इंटरव्यू दो साल जब 25,000 नौकरियां लगने के बाद में क्यों किया गया ये दोनों जवाब दीजिए पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी की करते हैं आपने खुद ही चलाया था इनके टाइम में तो मेरिट होते नहीं इवन आज की डेट में भी एक मिनट जब इन्होंने बोला आपने इनको बोले दिया तो इनके अपने नेता आज की डेट में भी ये कहते हैं कि हमारी तो कोई मेरिट ही नहीं होती और दूसरी बात जस्ट वेट और दूसरा ठीक है और ये लोग किस तरह के गैर कानूनी काम करते हैं लोगों को भड़काते हैं बिल मत देना मीटर उखाड़ के फेंक दो बिजली वाले आए तो उनके ऊपर ईंटें पत्थर फेंको तो इस तरह के ये जो लोगों को भड़काते हैं किसी भी तरह के गैर कानूनी काम करवाना हो तो इन लोग आप लोग शिकायत है कि उन्हें समय नहीं दिया जा रहा मैडम आपको 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड इससे भी कम लास्ट सेंटेंस इनके टाइम में फेमस क्या था कि जो चटाला जी की पर्ची होती थी ना जेब में बस उसी के लगने हैं बाकी जो जवाब तो आप भी नहीं दे रहे आप जवाब क्या दे रहे हैं इनकी खुद की सरकार की सिलेक्शन कैसा होता था अच्छा सो सिलेक्शन जो है हमारे टाइम में ट्रांसपेरेंसी है आप मेरिट के बेस पे जाते हैं आप टेस्ट के बेस पे जाते हैं तो इसलिए आपके सिर्फ अपने क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके टेस्ट के मार्क्स एजुकेशन के हैं इवन हमारे यहाँ तो अगर किसी परिवार में एक भी मेंबर नहीं है तो फाइव मार्क्स अलग से इस तरह की सुविधाएं जो है टोटल हरियाणा के इतिहास में कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन दिखा दे जहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट परमिटेड हो मैं अभी के भी राजनीति से संन्यास लेता हूँ करिए आप
अगर आप गैर कानूनी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितने ही टेस्ट एक भी आपके पास में ऑनलाइन एग्जाम क्रिएट कंडक्ट करने का अधिकार ही नहीं है एक। नीलम जी, और दूसरी बात, आप कंडक्ट करती है किसी भी कैंडिडेट को कोई भी सबूत नहीं दिया जाता है, ये सही है या नहीं आप इसका उत्तर दीजिए। नीलम जी, नीलम जी, आपकी ट्रांसपेरेंसी मैं देखता हूँ जी। देखिए, ट्रांसपेरेंसी का मतलब जितना भी आपने एग्जाम दिया है उसका सारा प्रूफ रहता है, और ऑनलाइन ऑनलाइन हमारा एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को हमेशा ऑनलाइन से प्रॉब्लम होती रहती है, जब हमने किसानों को ऑनलाइन किया था तभी आप लोग शुरू हो गए। जवाब क्यों नहीं बता रहा सरकार किसी भी तरह से? भाजपा की नीतियों से कर्मचारियों में किस तरह कर्मचारी आयोग की किस तरह की पारदर्शिता, ये भी बहुत बात होगी सर। आप ये बताइए कि आपने क्या वायदे नहीं किए, आपने ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिसके बाद आज नौकरी छोड़नी पड़ रही है कई कर्मचारियों को, ये सच है कि नहीं? 7 जून 2014 को रोजगार में रोजगार देना, रोजगार देना, और आपको मालूम है रोजगार देंगे, रोजगार देंगे भूम सिंह जी, लेकिन गलत तरीके से रोजगार देंगे क्या? नहीं, उसमें किसी भी तरह का कोई, जब बैकडोर एंट्री दी गई हाईकोर्ट की ओर से और कहा गया ये चीज, अब उसमें वो लंबी बातें हैं, वो उसके अंदर किया जाता है सब कुछ, आप मानिए इस बात को। कुछ भी नहीं, हरियाणा के लोगों को रोजगार दिया है उसमें, और रोजगार के अंदर मुख्यमंत्री का किस कोशिश यही रही नौकरी चली जाएगी, कैसा रोजगार था ये? सरकार के प्रयास रहे हैं, आपने गलत तरीके से लालच दिया, नहीं हमने गलत तरीके से कानून का बिल्कुल निकाला दिया, जिस तरह भाजपा के कर्मचारी आयोग ने सरेआम पैसे लेके क्योंकि जब आपके प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर किसानों के आंदोलन पर जाते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता किसानों के लिए क्या किया 10 साल प्रदेश के अंदर, श्रवण जी जवाब दे रहे हैं। इसमें बहन जी मैं ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार आज का जो विषय था, जी जी, विषय क्या था और हम पहुँच गए, बिल्कुल सर गहराई में चले गए, और रही बात यानी इस बात के बारे में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्तासीन है उसको यानी ध्यान डाइवर्ट करने में महारत हासिल की हुई है। इसमें क्लियर बात हम करना चाहते हैं कि यदि किए गए घोषणा पत्र में जो वायदे थे वो आज पूरे हो जाते हैं तो इतनी नौबत आज हरियाणा प्रदेश में नहीं आती। आपके सवाल का जवाब नहीं, और उसके साथ उसके साथ जैसे अब ये 2% डीए की बात के ऊपर आज ये अपना बहस बुलाई, ठीक है ठीक है ठीक है, हमने सिर्फ ये बुलाई सत्ता की खातिर ऐसा हो रहा है, क्लियर कर देंगे हम सब चीजों को, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते उसके बाद आपके पास जाएंगे और नीलम जी से, हाँ नीलम जी से इसका जवाब लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और आज हम बड़ी बात कर रहे हैं इसी मुद्दे पर कि क्या सत्ता की खातिर चुनावी जो वायदे हैं उनकी बरसात करना जायज है, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। एक विशेष पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस चर्चा पर बने हुए। नीलम जी, आप ब्रेक से पर जाने से पहले अपनी बात रखना चाह रही थी, बोलिए जी। मैं कह रही थी कि जो कर्मचारियों के लिए जो अभी भत्ते बढ़ाए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इन्हें खुश होना चाहिए। पता नहीं मैंने जितने कर्मचारियों से बात करी थी आने से पहले, क्योंकि हाउस रेंट जो है वो काफ़ी समय से ये सोच रहे थे कि वो मिलेगा, लेकिन अब वो जो कि सेंटर के हिसाब से तो उनको उसका काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। ना सिर्फ यहाँ पर श्रवण जी, बल्कि आज 6 बजे हमने देश की आवाज़ इसी पर किया, जितने भी फोन कॉल्स आए सभी कर्मचारी नाराज हैं इस फैसले। नहीं देखिए, आप ऑलमोस्ट 2016 से होना था, टीएडीए बढ़ाया है, 2 साल बढ़ा दिए और 2016 से भी नहीं किया है जी। देखिए सब कुछ बढ़ा है, टीएडीए बढ़ा है, ट्रैवलिंग अलाउंस बढ़ा है, मेडिकल जो उसका फिक्स्ड है उसको भी डबल किया गया है, बच्चों की जो उनका जो फिक्स एजुकेशन अलाउंस है उसको भी इंक्रीज किया है। ये तो अभी का है, अभी हमने पीछे कितने आशा वर्कर्स की सैलरी बहुत बढ़ाई है, आंगनवाड़ी की है, और सवाल फिर तैयार हो गया। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो आप देखिए, हाँ, और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके लिए भी पॉलिसी लाई जाएगी। आशा वर्कर की बात आई है जी, आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो समझौता आशा वर्कर के साथ हुआ था आज तक लागू नहीं हुआ,
कल से फिर दोबारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रही है और उसके साथ उसके साथ जो ये वेतन भत्ते बढ़ाने की बहनजी लिस्ट लेकर के आ रही है ना, बढ़ाए हमने वो काम किए हैं वही बात है कर्मचारियों की मांग थी कि बढ़ाए जाए जो उनके टीए ये एचआरए और डीए वगैरह जो है ये भत्ते बढ़ाए जाए 2016 से। अब सरकार ने चुनावी साल में भले ही सही लेकिन बढ़ा दिए तो साथ दे दीजिए ना चुनाव में। नहीं नहीं बड़े हैं किसके बड़े हैं मात्र सांसदों के और विधायकों के कर्मचारी दूर ये सारे के सारे सरकारी कर्मचारी होंगे हैं उनको तोहफा है नाम मात्र की राहत है नाम मात्र की राहत है नाम मात्र की बहुत बड़ा तोहफा है। आप किसी कर्मचारी इन्हें कंफ्यूजन है ये उसको एमएलए एमपी के साथ ले रहे हैं ये सरकार के जो कर्मचारी यानी कि सबसे पहले चुनाव से पहले सुनिए इस राज्य में तंग हुआ है। सुनिए श्रवण जी चुनाव से पहले जो रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है उसको आपको कबूल नहीं कर रहे कर्मचारी वर्ग कबूल नहीं करेगा उसको ये रिश्वत नहीं है हम बहन जी ये कहना चाहते हैं कि जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे हमारे को सब्ज बाग दिखाए थे और जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात की थी उसको बात को लेकर के पार्टी सत्ता में कहा तो है ना कच्चे कर्मचारी पक्के होते हैं पॉलिसीज के हिसाब से पिछली पॉलिसीज गलत थी। अब चुनावी साल आने वाला है क्या पॉलिसी कम होगी 6 महीने में आपको साल में दो हफ्ते का जो आपको धक्का दे देंगे आप ही डिस्कस हो गया हमारी आज तक कोई पॉलिसी इस तरह से नहीं। चुनावी साल है हालांकि अभी कर्मचारियों की कुछ मांगे जो है सरकार की ओर से कहा जा रहा है मान ली गई हैं। अब इनेलो कहती है कि अगर हम सरकार में आ गए तो मेरिट खत्म कर देंगे ना पहले मेरिट थी ना आगे होगी ये बयान है चौटाला का बयान मंदसौर में जाकर राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे पानी भी आ जाएगा सत्ता में आए तो फिर ये चुनावी वायदे किस तरह से आखिर कब तक चलेगा ये सब। देखिए ये चुनावी चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि ये मंदसौर के वाली घोषणा राहुल गांधी की है उसको सीधा साधा जोड़ा जाना चाहिए कि राहुल गांधी 29 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनक्रांति रैली कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि ये हम चुनाव का बिगुल बजा रहे हैं तो साफ तौर पर ही वो खुद ही कह चुके हैं कि चुनावी घोषणाएं हो रही हैं अब और बाकी दल भी कोई उससे पीछे नहीं है। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को कोई स्टेप लेना चाहिए कि कम से कम जो एक साल बाकी रह जाता है ना चुनाव आयोग को तब रोकता है जब चुनाव की डेट्स क्लियर होती है। सीधे सीधे रिश्वत खोरी है ये सीधा सीधा अब हम इसको रिश्वत ना भी कहें तो भी लुभाने का एक तरीका तो है कि सरकारें जो है जो जरूरी जो योजनाएं हैं और जो लागू करने वाली बातें हैं जो जनहित की बात है या कर्मचारी हित की है उसको पेंडिंग कर देती है वो देखती है कि जब चुनाव के करीब पहुंचेंगे तभी उनका ऐलान किया जाएगा तो ये तो सरासर हो ही रहा है ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये हो ही रहा है किया ही जा रहा है क्योंकि चुनावी वर्ष स्टार्ट होने वाला है और बीजेपी ये कह चुकी है बीजेपी को ये याद रखना चाहिए कि हम जो है मोदी सरकार के 4 साल की उपलब्धियों का प्रचार शुरू करेंगे और वो हमारा चुनावी अभियान ही शुरू होगा। तो ये जब ये घोषित ही कर चुके हैं कांग्रेस भी घोषित कर चुकी है बीजेपी ने भी घोषित कर दिया तो फिर ये मुंह छुपाने से फायदा क्या है ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम चुनावी फायदे के लिए सब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सरासर तय हो चुका है। मेरिट वाली इशू के ऊपर मैं आपको बता दूं अभय सिंह जी ने चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा स्पष्ट रूप से स्टेट मीडिया के सामने कहा था कि हरियाणा के अंदर लगभग 7,500 ऐसी पोस्ट हैं जो कि राजनीतिक हैं राजनीतिक दल जो भी सरकार आती है वो अपने बंदों को देता है उस पे कमेंट कर उसी के ऊपर कह रहा हूं मैं आपको प्लीज लेट मी स्पीक पत्रकारों के द्वारा ये बात पूछी गई थी। दूसरी चीज आप उस वीडियो को चला सकते हैं उसमें नौकरी नामक शब्द नहीं बोला गया उन्होंने नौकरी का नाम नहीं लिया नौकरी शब्द नहीं उन्होंने कहा मैरिट हमारे लिए पहले भी नहीं थी मैरिट आगे भी नहीं है क्या इनेलो पार्टी ज्वाइन करने के लिए मैरिट चाहिए होती है इनेलो मेरिट के साथ है पहली बात अरे सुनिए तो सही अरे सुनिए तो सही अरे बोलिए बोलिए अरे सुनिए तो सही जो उस दिन ये वीडियो जो वायरल हुआ था उसके एक दिन बाद में चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन सुनिए मेरी बात को
मेरी बात नीलम जी अब बीच में बोलेंगी तो कैसे करूंगा मैं मैडम व्हाई आर यू इंटरप्टिंग अगेन मैडम मैडम क्या है भाजपा के प्रवक्ता हो गई ये शिकायत जाते हैं कि किसी ने ना बोलने दिया जाए सर क्यों आप बोल रहे हैं बीच में अब एक चीज को डिफेंड मैडम मैं क्यों बोल रही हूं ऐसे नहीं चलेगा मैडम ये तरीका नहीं मेरी बारी में मत बोलो आपकी सारी बातें ठीक हो रही है मेरी बारी में मत बोलो सब बोलिए 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 मैं कह रहा हूं बेसिंग जी ने कहा कि कम से कम 7000 फोर्स हरियाणा के अंदर ऐसी हैं जो कि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को देता है हम उसके अंदर मेरिट का नहीं देखेंगे ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने अरे क्या हो मैं आपको मैं वीडियो पर बैठा हूं चुनाव वीडियो दोबारा से बात कर रहे हैं जी चौबाई वीडियो दोबारा चंडीगढ़ के अंदर पब्लिक ने देखा है सारे हरियाणा ने देखा सारी जनता ने देखा है अभय सिंह क्या कह रहे थे हर परिवार में एक नौकरी बिल्कुल कहा है उन्होंने इसका ब्लूप्रिंट क्या है उन्होंने चुनावी वायदा नहीं है उन्होंने कहा है कि हर परिवार में हम नौकरी देंगे उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े कुछ जितनी मर्जी बोले जितने मर्जी बोले जी ये भी तो पहले आज से नहीं है दो साल पहले से कह रहे हैं ये भी तो पहले से कह रहे हैं जवाब आप तो हमेशा ही मेरिट को नहीं मानते कैसी बात कर रही हैं आप 14 साल से कहा गया हर परिवार में जो आपने कहा कह रही है तो चुनावी प्रलोभन हुआ नहीं नहीं कार्यकर्ताओं का शक चुनावी लालच हुआ ये आप ये जनता कहां जाएगी बोलिए सुनिए दो साल सुनिए दो साल कहां जाएगी दो साल सुनिए दो नेताओं ने इतने बड़े बड़े वादे किए थे आप उस बात पे नहीं सत्ता में तो हर एक परिवार के एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी तो ये भी तो चुनावी प्रलोभन हुआ ऐसे है अलग अलग पार्टियों के अलग अलग एजेंडे हैं सबके अलग अलग आपके घोषणा पत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते हैं 3000 पेंशन करेंगे कर्जा माफ करेंगे किसानों का ये भी चुनावी वायदे हैं अभी पानीपत में कहा मैं आप पिछले अगर 20-30 सालों से अगर देख रहे हैं सभी पार्टियों के सारे देश के अंदर अपनी पार्टियां सामने रखते हैं लोग अपनी पार्टियां सब एजेंडा सामने रखते हैं घोषणा पत्र सामने रखते हैं घोषणा पत्र सामने रखते हैं जब आपकी पार्टी जो है सत्ता में थी 10 साल अपनी सरकार के कार्यकाल में क्यों नहीं पूरा कर पाते बहुत प्रयास भी किए कमियां रह भी जाती है तो अगली बार उनको सुधारने की कोशिश की जाती है मैडम एक बात कहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने आज वादे किए थे एक भी वादा हरियाणा में अगर पूरा हुआ हो तो आप गिनवाइए उनका हम कहते हैं आपके कर्मचारी आयोग के अंदर आपने बदनाम किया है आपके लोगों ने आपके नेताओं ने पैसे लिए सरेआम पैसे लिए नहीं 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 भूल सिंह जी भूल सिंह जी एक बात बताइए आप ये कहते हैं कर्जा माफ करेंगे आपको लगता है कोई समाधान है कर्जा माफ करना आप बड़ा ऐलान करते हैं की हालत बिल्कुल खराब है नहीं कर्जा माफ में नहीं नहीं ये बताइए कर्जा माफ करना समाधान है क्या पंजाब में नहीं आज बीजेपी सरकार कर्जा माफ कर क्या गारंटी है कि माफ कर किसानों की कोशिक साहब पंजाब में कर्जे माफ किए जा रहे हैं प्रोसेस में है वो बात क्या पंजाब के किसानों आपकी सरकार जहां होती है वहां काम होता है बीते दिनों किसान आंदोलन पर गए थे समर्थन देने के लिए आपके प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर वही बात फिर से दोहरा दियो में जो पहले कहा उनके पास जवाब नहीं था क्या क्या उन्होंने किसानों के लिए 10 साल में किसान देखो परेशान तो है ही है बिल्कुल इस बात में कोई भी वो नहीं हम कह रहे हैं हर पार्टी इसमें प्रयास करती है नहीं आपके पास आपके प्रदेश अध्यक्ष के पास जवाब नहीं है नीलम जी जी देखिए जैसे अभी किसानों की बात चल रही है किसानों की हालत 2 या 3 साल में ऐसे खराब नहीं होती ये पूरी सारी पुरानी जो पॉलिसीज होती है जिसमें उनको टोटली इग्नोर किया गया था अब जैसे मैंने बताया कि हुड्डा के टाइम में तो 70,000 एकड़ से ज्यादा जो इन्होंने डीलर्स को बांट दी थी किसानों की जमीन डीलर्स को बांटी गई दूसरा इवन जो जो ये हुड्डा साहब थे जो एक चेयरमैन कमेटी बनी थी ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया उसके चेयरमैन थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया कुछ चेयरमैन अभी आप बताए ना अभी उनके पास जो उनके कल परसों की अगर अखबार की देखे तो उनके कितने 13 से ज्यादा केसेस जो उनके सामने आने वाले हैं जिसमें कि डिसाइड किया गया है कि 28 फरवरी तक जितने भी एमएलए एमपी पर केसेस हैं वो एक साल के अंदर अंदर निपटा दिए जाएंगे तो नेचुरली ये सारे अब आपको ज्यादा चेहरे नजर आएंगे कि कौन कौन है और देखते हैं इनकी हुड्डा के गवर्नमेंट के कितने कितने निकल के आएंगे इनेलो के देख लेना तो भारतीय जनता पार्टी के ढेर लगे एक साल सिंह वीर के खिलाफ केस दर्ज है क्या हम अदालत है जिसके ऊपर भी
आपको मैं आरोप बता रहा हूँ, आपने कहा आरोप नहीं है, मैंने आपको अब्दुल साहब आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी तो अभय चौटाला नहीं है। मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ, ये कह रही कि आरोपी नहीं है, मैंने कहा ये झूठ, ये बोल रही कि आरोप नहीं है। मैंने बख्शी सिंह वीर का नाम बताया, केस दर्ज है, मैं आपको बता रहा हूँ कवर गुजर। मैंने आज आज की डेट में जो हमारे एमपीज हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हरियाणा के, आप किसी पर एक एक पैसे क्या आप सुनते ही नहीं है, जब चुनावी वायदे किए जाते हैं तब क्यों नहीं ये काम किए जाते कि हम पर ये आरोप है वो आरोप है। आप चुनावी वायदे कर देते हैं, किस तरह से विश्वास करे जनता? जादव साहब आप ही बताइए, क्या विश्वास किया जाता है अब, क्या जनता एक बार फिर से चुनावी वादों, चुनावी वादों के खिलाफ काम किया जाता है, चुनावी वादा खिलाफी की जाती है, उससे लोगों का विश्वास तो घट ही रहा है। और आप देखिए कि चुनाव प्रणाली में आखिर में नोटा क्यों आया, क्योंकि लोग असंतुष्ट हैं राजनीतिक दलों से, उनके व्यवहार में मैं समझता हूँ कि सभी राजनीतिक दल जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर आक्षेप है कि वो चुनावी वायदे पूरे नहीं करते, और या फिर उसमें कोई ऐसी गिमिक चाल ले आते हैं कि वो पूरी तरह से उस जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं। जिसके कि महाराष्ट्र में जो है कर्जा माफी की घोषणा हुई और जो योजना लाई गई उसमें कोई आधार से जोड़ने का वो ले आए कोई कंडीशन के जो फॉर्म है आवेदन फॉर्म वो आधार से जोड़े जाएंगे, तमाम किसान उस योजना से बाहर हो गए। यूपी में हुआ तो बहुत 1 लाख तक के कर्ज थे वो उसमें भी कम हो पाए, तो इस तरह से पंजाब में भी उन्होंने इस तरह से कर दिया कि पंजाब में उन्होंने बाद में कहा था सबके कर्जे माफ, सवाल की पूरी रकम नारे को उन्होंने कहीं लागू नहीं किया, प्रलोभन दिए जाएंगे जनता को और सप्ताह में आने के बाद फिर से भूल जाते और फिर हो जाता है कंडीशन अप्लाई। देखिए अवंतिका जी, जब दूसरा पार्टी जिसकी सत्ता है वो इस बात में फेल हो जाते हैं, पंजाब में तो आपकी सत्ता है नहीं, पंजाब में कर्जे माफ हो रहे हैं, प्रोसेस में आप रिकॉर्ड ले लीजिए सारा, हम रिकॉर्ड अगली बार बुलाओगे तो रिकॉर्ड लेके आ जाऊंगा, अभी कितने जिलों में माफ हो चुके हैं, कितने लाख लोगों के कर्जा माफ हो चुका है, वहां पे प्रोसेस में है। जादुन साहब कह रहे जैसे कंडीशंस क्यों हो जाती है किसानों के साथ, फिर जादुन साहब ने कुछ सवाल उठाया, कंडीशन अप्लाई हो जाती है फिर जी। भूम सिंह जी देखिए, कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि किसानों के पूरे कर्ज माफ किए जाएंगे, तब ये 5 एकड़ की सीमा भी नहीं थी कि 5 एकड़ वाला किए जाएंगे, बताइए ये भी नहीं था कि 2 लाख तक के ही किए जाएंगे, कृषि ऋण ही माफ किया जाएगा, उन्होंने तो इतना लोक लुभावन नारा दिया था कि कर्जा कुर्की खत्म, फसल की पूरी रकम, पूरी रकम का मतलब ये था कि पूरा प्रॉफिट और कर्जे पूरे खत्म और कुर्की कोई नहीं होगी, लेकिन आज वो स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत है, वो ये किया जा रहा है कि जैसे कोई दस्तूर पूरा किया जा रहा हो, जवाब कर्जे माफ किए जा रहे हैं अकॉर्डिंगली, आज पंजाब की हालत आर्थिक हालत पहले ये कंडीशन आप क्यों नहीं बताते हैं, पहले आप कंडीशन क्यों नहीं बताते हैं, परंतु कैप्टन आज राहुल गांधी ने ऐलान किया, क्या उन्होंने बताया ब्लूप्रिंट के आपके पास, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, अभी 1 साल हुआ है पंजाब में सरकार बने को, अगले 4 साल के अंदर किसानों के कर्जे माफ हो गए, क्यों ये नहीं कहा जाता है साथ में कि हम देखेंगे किस तरह की हालत बनती है प्रदेश में, उस हिसाब से क्यों चल रहे हैं आप? अभी 1 साल हुआ है पंजाब में सरकार बने, अगले 4 साल में किसानों के ज्यादातर कर्जा माफ कर दिया जाएगा, आप देख लेना चुनावी वायदा। अगर कर्नाटक की बात करें तो वहां पर एचडी कुमार स्वामी ने सत्ता में आने से पहले, उन्होंने जब चुनाव चल रहे थे वहां पर वायदा किया था किसानों का सबसे पहले कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा, कांग्रेस के साथ में सरकार है वहां पर सहमति नहीं बन रही है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मेरे मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है कि कुमार स्वामी जी ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं विरोध जो किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन यदि मैं कर्ज माफ नहीं कर पाया तो मैं सत्ता छोड़ दूंगा, ऐसा मीडिया के माध्यम से पता लगा है, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन फैक्ट यही है उन्होंने वायदा किया था अभी तक नहीं पूरा किया। भूम सिंह जी, अब वही बात निकलकर सामने आती है कि आज ऐलान कर देते हैं आप लेकिन ब्लूप्रिंट नहीं है, मेरा सवाल फिर से वही है लेकिन इसका जवाब आप नहीं देते हैं, जो बिचौलिए हैं उन पर नकेल कसने की बात कीजिए ना, किसान कितना कितना बेचता है और आम ग्राहक को कितना मिलता है इसकी बात कीजिए ना, इसका ऐलान कीजिए आप भूम सिंह जी। कौशिक साहब, किसान को जितना सहायता कांग्रेस पार्टी ने दी है, वरना आज देखिए 70 के दशक में किसान की क्या हालत थी, हमने किसान की हालत कहां से कहां तक लिया के कितना फर्टाइल हुआ है, सरकार नाटक क्यों नहीं सहमति बन रही आपके साथ, सरकार है ना इसी कुमार स्वामी की, कांग्रेस पार्टी ने किसान को दी है, आप जहां पर सरकार नहीं है वहां जाकर चुनावी वायदा करके आ जाते हैं, चुनावी बरसाते वायदों की करके आ जाते हैं, जहां सरकार है वहां जहां पे हमारी सरकार है वहां पूरा भी कर रहे हैं, बार बार सहमति के साथ में सरकार है आपके साथ की सरकार है कर्नाटक में एचडी कुमार स्वामी।
कर्नाटक में उसकी से 10 दिन हुए बने को वहाँ भी जो वादा किया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसान कभी भी किसान के विरोध में नहीं खड़ी होगी और जो कमिटमेंट जो कुमार स्वामी जी करना चाहते हैं कांग्रेस में आने नहीं आएगी। सच्चाई अभी सामने आ गई है। भूम सिंह जी कहते हैं अभी तो वहाँ 10 ही दिन हुए बने हैं सरकार को, अभी इनके राहुल गांधी ने कहा 10 दिन में हम सारे कर्जे माफ कर देंगे। तो अब देखिए कि 10 दिन का जो घालमेल है वो किस तरह का है। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जो चुनावी वादे हैं जो ये लोग करते हैं वो ऐसे ही बेसलेस होते हैं, जबकि हम जो कर रहे हैं इसके साथ साथ जो हमारी बाकी सारी परियोजनाएं हैं वो सबकी सब भी चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चुनावी वादों की तरफ जा रहे हैं। चरण कुमार जी कहते हैं कि वादे पूरे नहीं किए गए हैं। 154 में से हमारे मैक्सिमम वादे पूरे हो चुके हैं और उनमें से जो बचे वो भी डेफिनेटली हमारी स्टंप पूरे होने से पहले पूरे हो जाएंगे। हमने जितने किए हैं सारे के सारे कर्मचारी सड़कों पे क्यों हैं? जी देखिए कर्मचारियों की मैंने कहा ना उनकी सारी मानी जाती है, लेकिन ये जो हमारी अपोजिशन है चुनावी वर्ष की वजह से वो बीच में कुछ ना कुछ रोड़े अटकती रहती है। जैसे बहन जी बात रख रही हैं कि हमने सारे चुनावी वायदे पूरे किए, मैंने कहा मोस्ट ऑफ देम, एक मिनट जी, तो जो बचे वो भी पूरे करेंगे। हम कर्मचारी हैं, हम राजनीतिक तो है नहीं, ठीक है, हम तो कर्मचारी और मजदूरों की बात करेंगे। अब जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे सभी कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे, कितने कर्मचारी पक्के हुए बहन जी जवाब देंगी। विभागों में नियमित भर्ती होगी, यानी सालाना 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, पंजाब के समान वेतन मान दिया जाएगा, और एक भी तो बताइए इनमें से। और उसके साथ 10 सेकंड का जवाब, उसके साथ 10 सेकंड का जवाब, 24 अक्टूबर 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला समान काम, ठीक है ठीक है, 10 सेकंड का जवाब। पहली जून को ही सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में ये लेटर चला गया है कि जो भी कर्मचारी समान काम समान वेतन के योग्य है, क्योंकि वो इस जो प्रोसेस आपका चला, जादू साहब आपसे जाना चाहेंगे, 10 सेकंड की कमी है, वो संक्षेप में बताइएगा जादू साहब, क्या सत्ता की खातिर सब कुछ वो वायदे किए जाते हैं मध्य प्रदेश में और यहाँ पर डीएटी दिया जाता है? देखिए सरासरी सत्ता की खातिर ही सब चल रहा है। सरकारें ये करती हैं कि सारी जो योजनाएं हैं जो उनके वादे थे वो ज्यादातर या तो उसको डाइवर्ट करती हैं या पेंडिंग कर देती हैं, बिल्कुल, तो ताकि चुनाव के करीबियों में ही किया जाए। हाँ। जैसे हुडा सरकार ने किया, हाँ, कि इलेक्शन ईयर में ही उन्होंने सारे कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन करने का काम किया, जिसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। 2014 में ही किया, जून में किया और जुलाई में किया, वो 2011 में भी कर चुके थे, और जब वो पॉलिसी लेकर आए तो जो एडवोकेट जनरल ने उस पर ऑब्जेक्शन भी किया कि ये पॉलिसी, यानी आपने सही बात की, सब कुछ जानते हुए भी ये वायदे किए जाते हैं। शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मामले कहीं लटकते हैं तो कहीं वायदे किए जाते हैं, लेकिन असल सच्चाई यही है कि चुनावी वायदे होते हैं, लेकिन देखना होगा आने वाले समय में क्या जनता इन चुनावी वायदों पर भरोसा करके वोट देती है या नहीं। बिल्कुल, जनता जो है वो किस तरह से इन चुनावी वायदों को लेती है इस पर नजर रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।